बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो वेडिंग कलेक्शन साड़ी हॉल। सो जैसा कि अभी वेडिंग सीजन चल रही है, सो उसको ध्यान में रखें, मैंने कुछ ऐसी साड़ियाँ मंगवाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी की वेडिंग में पहनना चाहते हो या फिर आपके रिलेटिव में किसी की शादी है अगर आप उसमें वेयर करना चाहते हो तो ये सभी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी हैवी वर्क वाली होने वाली है, थोड़ी सी जरी वर्क वाली इस टाइप की भी साड़ियाँ मैंने इंक्लूड की है। सो आई होप आप लोगों को ये वाली साड़ी कलेक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इस बार मैंने बजट का भी बहुत ध्यान रखा है, मतलब मैंने अंडर 800 ही सभी साड़ियों को मंगवाया है। सो आई होप आप लोगों को ये वाली साड़ी हॉल देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड अगर आपको इतनी सी भी वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हो सके तो एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा। सो ये आप चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में। सो फर्स्ट साड़ी होने वाली है ये ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी सी हैवी वर्क वाली साड़ी। सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका पैटर्न, पल्लू, डिजाइन वगैरह, फिर इसकी बाकी की डिटेलिंग के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं साड़ी के पल्लू से। इसके पल्लू के बॉर्डर्स पे ना आपको पूरे पे सिल्वर कलर से जरी का वर्क मिल जाएगा या फिर ये एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि ये जरी वर्क है या एम्ब्रॉयडरी वर्क है, लेकिन जो भी है ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इसमें बहुत अच्छी वाली शाइन भी दी गई है। एंड ये सेम वर्क ना आपको साड़ी के तीनों साइड पे मिलेगा एंड यही सिल्वर वाला वर्क आपको साड़ी के बीचों बीच में भी मिल जाएगा। सो बीच में भी आपको ऐसे टाइप से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, छोटी छोटी सी फ्लावर्स बनी हुई है पूरी साड़ी पे एंड पूरी पल्लू पे आपको हैवी वाली एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी पूरी पल्लू पे बीच बीच में। एंड फिर जहाँ पे आप साड़ी टक इन प्लेट्स बनाते हो ना वहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, प्लेन सी साड़ी मिलेगी। फिर आधी साड़ी खत्म होने के बाद आपको ऐसी वाली फिर से डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी एंड नीचे की साइड पे वो वाला बॉर्डर ना आपको पूरी साड़ी पे मिल जाएगा। सो बॉर्डर की लेंथ बहुत अच्छी खासी इसमें दी गई है, बहुत अच्छा मतलब लेंथ आपको मिलेगा जब आप वेयर करोगे साड़ी। तो फिर जब साड़ी आप जहाँ पे टक इन करते हो ना वहाँ पे आपको कोई भी पाइपिंग लाइनिंग नहीं मिलेगी, प्लेन सी साड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद से आपको ऐसे वाला बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साड़ी की फैब्रिक की, कि ये आपको प्योर जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी मिल जाएगी एंड इसमें मैंने कलर मंगवाया है ब्लू। सो ये ऑलरेडी बहुत प्यारा सा कलर लग रहा है देखने पे, अगर आप किसी की वेडिंग फंक्शन अटेंड करना चाहते हो तो ब्लू कलर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रॉयल लुक देता है। सो उसके लिए मैंने ये वाले कलर मंगवाया, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। साड़ी की लेंथ की बात करूँ तो चौड़ान की बात करूँ तो चौड़ान बहुत अच्छी खासी दी गई है, मतलब आप 5-7-8 तक की लड़कियाँ तो ईजिली साड़ी को कैरी कर सकती है, लेडीज इस साड़ी को कैरी कर सकती है। एंड अगर साड़ी की लंबाई की बात करूँ तो 5.5 मीटर तक का इस साड़ी की लंबाई इसमें भी दी गई है। सो लंबाई वाइज भी बहुत अच्छी दी गई है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। प्लस इसमें जो एम्ब्रॉयडरी वर्क की गई है ना इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीछे से भी मैं दिखा देती हूँ आपको, कहीं से भी निकल नहीं रही है, कहीं से भी थ्रेड वगैरह नहीं निकली हुई है इसमें। सो दैट्स वाई ये वाली साड़ी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। बीच बीच में ना आपको साड़ी में स्टोन भी मिल जाएगा, ये सब जो स्टोन चिपकाया हुआ है। सो ओवरऑल बहुत हैवी लुक देने वाली साड़ी है, अगर आप खुद भी मतलब ब्राइड टू बी होने वाले हो सो उसके लिए भी अगर आपको शादी के बाद के लिए साड़ी लेनी है तो आप इस टाइप की कुछ साड़ियाँ ले सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है। सो अब देख लेते हैं इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा मिलता है। साड़ी के साथ आपको इसी में अटैच ब्लाउज पीस मिलेगा एंड फैब्रिक वगैरह सब कुछ सेम है, फैब्रिक कलर सब कुछ सेम ही आपको मिलेगा एंड इसमें डिज़ाइन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा पतला इसमें आपको कुछ इस टाइप से स्लीव्स के लिए दिया गया है ये एंड ये बीच में शायद बैक या फ्रंट के लिए दिया गया होगा कुछ इस टाइप से, फिर यहाँ पे स्लीव्स के लिए आपको मिल जाएगी। ब्लाउज पीस की लेंथ भी आई थिंक 1.25 मीटर आप इसमें से निकलवा सकते हो। सो प्राइस की बात की जाए तो इसे मैंने 750 रुपीज़ में मंगवाया है। सो 750 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये बहुत ही हैवी साड़ी है, आप किसी की वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस साड़ी की। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये बेबी पिंक कलर की साड़ी। सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें अलग क्या है, कुछ अलग सी बात इसमें क्या है, सबसे पहले ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं साड़ी के पल्लू से। इसके पल्लू के बॉर्डर्स पे ना आपको कुछ इस टाइप से सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा एंड कहीं कहीं पे आपको थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी वर्क भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल ये सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी है एंड ये थ्रेड वर्क वाली भी साड़ी है, सेम यही वाला डिज़ाइन आपको साड़ी के तीनों साइड पर मिल जाएगा एंड बॉर्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी खासी दी गई, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ बहुत प्रॉपर लग रहा है अभी तक तो देखने में। सो इसकी बॉर्डर की लेंथ बहुत अच्छी खासी दी गई, सरप्राइजिंगली इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है। फिर जहाँ पे आप साड़ी टक इन करते हो वहाँ पे आपको प्लेन सी फैब्रिक मिलेगी, लाइनिंग पाइप कुछ नहीं है। फिर उसके बाद से आपको ऐसे वाला बॉर्डर मिल जाएगा एंड ये वाला बॉर्डर ना सेम आपको साड़ी के नीचे की साइड पे ना पूरी साड़ी पे मिल जाएगी। सो साड़ी में कहीं पे भी कुछ भी वर्क नहीं है, सिर्फ प्लेन सी साड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं साड़ी की फैब्रिक की, ये भी आपको जॉर्जेट मटेरियल वाली फैब्रिक दी गई है एंड बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब इतना बटरी सॉफ्ट लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सच में किसी बच्चे के लिए ही बनाया गया, मतलब बेबी पिंक कलर भी और फैब्रिक भी वैसा ही लग रहा है टच करके, बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक इसमें दिया गया। साड़ी की अगर लंबाई चौड़ान की बात की जाए तो चौड़ान बहुत अच्छी खासी दी गई है, अगर आप फेयरवेल में पहनना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सही लगने वाली है। प्लस अगर आप शादी वगैरह अटेंड करना चाहते हो तो अगर आप
लड़की मतलब गर्ल हो तो आप इस टाइप की साड़ी वेयर कर सकते हो। सो बहुत अच्छी लेंथ है इसकी, 5-7-8 तक की लड़कियाँ इजिली साड़ी को वेयर कर सकती हैं। लंबाई भी इसमें बहुत अच्छी खासी दी गई है, 5-5.5 मीटर तक का इसमें कपड़ा दिया गया है। सो साड़ी में कहीं पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह कुछ भी नहीं दी गई है। सो बढ़ते इसकी खास बात की तरफ, इसका ब्लाउज सबसे पहले बढ़ते देख लेते इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। सो इस साड़ी के साथ आपको कुछ इस टाइप से बहुत ही हैवी वर्क वाला कपड़ा मिल जाएगा, एंड इसमें भी पूरे पे आपको सीक्वेंस का वर्क किया गया है, प्लस इसमें थ्रेड का भी वर्क सेम वैसे ही वाला वर्क किया गया है जैसा आपको बॉर्डर पे डिजाइन मिल रहा था, बिल्कुल सेम उसी फैब्रिक उसी टाइप का आपको डिजाइन इस पे मिल जाएगा। पूरी आपको ब्लाउज पीस भरी भरी से मिली है। सो आप क्वार्टर स्लीव भी सिलवा सकते हो, आप स्लीवलेस भी बनवा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। सो इस साड़ी की खास बात यह है कि इसके साथ आपको बेल्ट भी अटैच करके मिलेगा, सो आप बेल्ट भी इसमें यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा लुक और भी ज्यादा इन्हेंस हो जाएगा। सो बेल्ट की भी प्रिंट आपको बिल्कुल सेम मिलेगी जैसा इसमें थ्रेड वर्क किया गया था, बिल्कुल सेम वैसा ही डिजाइन पैटर्न वगैरह वैसा ही आपको इसमें भी मिल जाएगा। सो इसकी वजह से बेल्ट की वजह से सिर्फ इसका लुक और ज्यादा इन्हेंस हो जाता है और ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। बात की जाए साड़ी की प्राइस की, तो इसे मैंने 679 रुपीज मंगवाया। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाली साड़ी बहुत ज्यादा सही लगने वाली है। सो मैं सबकी प्राइस आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी एंड सबकी लिंक्स भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो। प्लस ये वाली साड़ी भी मैंने मीशो से ही ली थी, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। सो अगर आपको ये वाली साड़ी पसंद आ रही है तो वहां मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। वैसे ये वाली साड़ी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, मैंने अभी दे रखा है इसका ब्लाउज बनवाने के लिए। सो जब ये बन जाएगा तो ये और ज्यादा, इसका ब्लाउज भी बहुत ज्यादा सुंदर था। सो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये लहरिया प्रिंट वाली साड़ी, एंड इसका डिज़ाइन वगैरह बॉर्डर आप देख लो कितना ज़्यादा प्यारा है। सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका पैटर्न वगैरह, फिर इसकी बाकी की डिटेलिंग के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके पल्लू से। इसके पल्लू के बॉर्डर पे ना आपको कुछ इस टाइप से जरी का वर्क मिल जाएगा, एंड इसमें भी सीक्वेंस का वर्क आपको मिल जाएगा। सो इसमें दो टाइप का वर्क किया गया है, कहीं कहीं पे आपको जरी का वर्क है एंड कहीं पे आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। ओवरऑल इसका जो बॉर्डर है ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक वाला बॉर्डर दिया गया है, एंड ऊपर में ऊपर की साइड पर आपको गोटा पट्टी भी मिल जाएगी कट वर्क वाली, सो बहुत ज़्यादा प्यारा लुक लग रहा है। एंड ये सेम वाला बॉर्डर ना आपको साड़ी के तीनों साइड पर मिल जाएगा सेम ऐसे ही टाइप से। फिर बॉर्डर की लेंथ भी इसमें बहुत ठीक ठाक दी गई है, एंड जहाँ पर साड़ी टकिन करते हो ना आप, वहाँ पे प्लेन सी मिलेगी फैब्रिक, कोई भी लाइनिंग पाइपिंग नहीं दी गई है। फिर उसके बाद से ऐसे वाला आपको बॉर्डर मिल जाएगा, ये वाला बॉर्डर ना आपको साड़ी के नीचे की साइड पे पूरी साड़ी पे मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो पूरी साड़ी पे ऐसे वाला बॉर्डर आपको मिल जाएगा। साड़ी की फैब्रिक की बात की जाए तो ये भी प्योर जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है, एंड इसका प्रिंट लहरिया प्रिंट में किया गया है। सो लहरिया प्रिंट में अगर ऐसे वाला डिज़ाइन रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप पिंक कलर की साड़ी ले रहे हो तो ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा लुक देने वाला है। सो साड़ी की चौड़ान की बात करूँ तो चौड़ान इसकी बहुत अच्छी खासी है, 5-7 तक की लड़कियाँ इजीली साड़ी को वेयर कर सकती है। साड़ी की लंबाई भी बहुत अच्छी खासी दी गई है, सो 5-5.5 मीटर तक का इसमें कपड़ा आपको मिल जाएगा। साड़ी के बीच में कोई भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी वर्क नहीं है, प्लेन सी साड़ी दी गई है। बस जो भी है इसके आपको बॉर्डर्स पे आपको कुछ इस टाइप से हैवी वर्क वाली बॉर्डर मिल जाएगी। सो अब देखते हैं इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। इस साड़ी के साथ आपको इसी में अटैच ब्लाउज पीस मिलेगा, एंड ये भी सेम कलर की ब्लाउज पीस आपको रिसीव हो रही है, बस थोड़ा सा शेड में अंतर है, ये थोड़ा सा डार्क शेड पिंक का है, ये थोड़ा सा लाइट पिंक फूशिया पिंक कलर है ये। सो इसका फैब्रिक आपको चंदेरी सिल्क फैब्रिक में ये वाली आपको फैब्रिक मिल जाएगी ब्लाउज पीस के लिए, एंड इसमें भी आपको कुछ इस टाइप से बॉर्डर मिल जाएगा स्लीव पे बनवाने के लिए। बाकी ब्लाउज पीस आपको पूरी प्लेन सी मिलेगी, ब्लाउज पीस की लेंथ भी 1.25 मीटर तक का इतना सा दिया गया है, सो लेंथ तो इनफ लग रहा है। बात की जाए साड़ी की प्राइस की, तो इसे मैंने 783 रुपीज़ में परचेज किया था। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, फैब्रिक बहुत अच्छी है इसकी, अगर आप चाहो तो कुछ भी फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए पहनना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है, एंड अगर आप फेयरवेल में भी पहनना चाहती हो लड़कियां तो बहुत ज़्यादा सही लगेगी ये वाली साड़ी भी। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है मीशो की सबसे ज़्यादा वायरल हो रखी वाली साड़ी, ये ब्लैक कलर की स्टोन प्रिंट वाली साड़ी। सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका बॉर्डर वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं इसके पल्लू से। इस साड़ी के पल्लू के बॉर्डर पे ना कुछ इस टाइप से स्टोन पेस्ट करके मिलेगी, एंड पूरी इस पे साड़ी पे आपको स्टोन वर्क वाली बॉर्डर मिल जाएगी, एंड ये सेम बॉर्डर आपको तीनों साइड पे साड़ी के मिल जाएगा सेम। बाकी एक्स्ट्रा इसमें कोई भी वर्क नहीं की गई है इस साड़ी पे, बस आपको ये स्टोन वाला वर्क मिल जाएगा। एंड ये अभी मीशो पे इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है ये वाली साड़ी की, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप जिसकी भी वीडियो में देखोगे यही वाली साड़ी आप देख सकते हो। सो इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऑल्दो ये भी जॉर्जेट फैब्रिक की ही साड़ी है, लेकिन ये
जॉर्जेट में थोड़ा सा नेट टाइप का जो जॉर्जेट होता है ना, बहुत ही पतला सा उस टाइप का फैब्रिक है। सो ये पहनने पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है। सो अगर आप बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर आपको बहुत अच्छी खासी लंबी मिल रही है। फिर जहाँ पे आप साड़ी टक इन करते हो ना, वहाँ पे आपको कोई भी लाइनिंग पाइपिंग नहीं मिलेगी, प्लेन सी साड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको ऐसे वाला बॉर्डर मिल जाएगा। ये वाला बॉर्डर ना आपको नीचे की साइड पर पूरी साड़ी पर मिल जाएगी, बाकी साड़ी में बीच में आपको कोई भी वर्क नहीं है। एंड ये मैंने ब्लैक कलर की मंगवाई है, एंड ब्लैक कलर की ही अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है मीशो की साड़ी। सो बाकी साड़ी आपको पूरी प्लेन सी मिलेगी, कोई भी वर्क वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है। साड़ी की लंबाई की बात करूँ, लेंथ की वेथ की बात करूँ तो वेथ तो आपको 5-7-8 तक की लड़कियाँ ईजिली वेयर कर सकती है। फिर उसके बाद साड़ी की लंबाई भी बहुत अच्छी खासी है, 5.5 मीटर तक का इसमें आपको कपड़ा रिसीव हो जाता है। सो देखते हैं इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। तो इसके साथ आपको इसी में अटैच ब्लाउज पीस मिलेगा, एंड ये कॉटन सिल्क फैब्रिक की आपको ब्लाउज पीस मिलेगी, थोड़ी सी कड़क फैब्रिक इसमें दी गई है। सो इसमें ब्लाउज पीस में आपको कोई भी वर्क नहीं मिल रहा है, बिल्कुल प्लेन सा ब्लैक फैब्रिक मिल रहा है, एक भी ना ही बॉर्डर है ना ही कुछ भी स्टोन। आई थिंक थोड़ा सा स्टोन वगैरह रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। इसके लिए अगर आप स्लीवलेस बनवाओगे ब्लाउज पीस ब्लाउज तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस टाइप का अगर आप ब्लाउज स्टिच करवाओगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा इस साड़ी के साथ। इसकी लंबाई बहुत अच्छी खासी दी गई है, ये डबल रैप होके आया है। सो 1.25 मीटर तक का इसमें भी आपको कपड़ा रिसीव हो जाएगा। इसके प्राइस की बात करूँ तो इसे मैंने 574 रुपीज़ में मंगवाया था। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, फैब्रिक इसकी बहुत अच्छी खासी है। तो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है एक और ब्लैक कलर की साड़ी, एंड ये वाली साड़ी का ये एग्जैक्ट ड्यूप है। सो सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका फैब्रिक वगैरह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस साड़ी के पल्लू से। इसके पल्लू के बॉर्डर पे ना आपको पूरे पे जरी का वर्क मिल जाएगा, साथ में इसमें कहीं कहीं पे सीक्वेंस का भी वर्क मिल जाएगा। सो इसमें कहीं कहीं पे आपको थ्रेड का भी यहाँ पे कलर मिल जाएगा, थ्रेड से भी शेड मिल जाएगा, एंड बाकी पूरी बॉर्डर आपको जरी वर्क वाली मिल रही है एंड सीक्वेंस वर्क वाली मिल रही है। ये सेम वाला बॉर्डर आपको साड़ी के तीनों साइड्स पे मिल जाएगा, तीनों साइड में सेम ऐसे ही वाला बॉर्डर दिया गया है। साड़ी के बीच बीच में आपको कुछ इस टाइप से छोटे छोटे से फ्लावर जरी वर्क वाले मिल जाएंगे, छोटी छोटी सी वर्क की गई है। सबसे पहले बात करते हैं साड़ी की फैब्रिक की। इस साड़ी का फैब्रिक आपको जॉर्जेट मिक्स टाइप का फैब्रिक मिल रहा है, मतलब ये वाला जो साड़ी मैंने वेयर कर रखा है ये प्योर जॉर्जेट फैब्रिक है, लेकिन ये वाली साड़ी ना प्योर जॉर्जेट फैब्रिक नहीं है, थोड़ा सा मिक्स टाइप का है। थोड़ा सा सिल्क का भी टच आ रहा है, थोड़ा सा जॉर्जेट का भी फील आ रहा है इसको टच करने पर। सो कुछ इस टाइप से आपको पूरी पल्लू पर ऐसे भरा भरा सा लुक मिलेगा, एंड बॉर्डर की लेंथ भी इसमें ठीक ठाक दी गई है। बाकी साड़ी जहाँ पे आप टक इन करोगे वहाँ पे कुछ भी पाइपिंग लाइनिंग नहीं दी गई है। फिर उसके बाद से ऐसा वाला बॉर्डर मिल रहा है, एंड ये वाला बॉर्डर आपको नीचे की साइड पे पूरी साड़ी पे मिल जाएगा, पूरी साड़ी पे ऐसे वाला बॉर्डर मिल जाएगा। फिर जहाँ पे प्लेट्स बनाते हो ना वहाँ पे भी आपको इस साड़ी में ऐसे वाला डिज़ाइन मिल रहा है, छोटे छोटे से फ्लावर प्रिंट जरी वर्क वाले आपको मिल जाएगी पूरी साड़ी पे। सो जहाँ पर आप फर्स्ट रैप लोगे ना, जहाँ पे साड़ी का पहला आप घेर बनाते हो ना, वहाँ पे आपको प्लेन सी फैब्रिक मिलेगी, लेकिन उसमें भी आपको नीचे की साइड पे बॉर्डर मिल जाएगी। यहाँ से आपको बॉर्डर मिल रही है। सो जहाँ पे बस आप फर्स्ट रैप बनाओगे ना, जहाँ पे फर्स्ट घेरा, वहाँ पे आपको बॉर्डर भी नहीं मिलेगी, ना ही कोई भी वर्क मिल रहा है। सो प्लेन सी साड़ी मिल रही है बस। साड़ी की अगर लंबाई चौड़ान की बात करूँ तो चौड़ान इसकी बहुत अच्छी खासी है, 5-7-8 तक की लड़कियाँ इजिली वेयर कर सकती है। फिर लंबाई भी इसकी बहुत अच्छी खासी दी गई है, कपड़ा वगैरह भी इसका ठीक ठाक था। सो देख लेते हैं इसका ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। सो इस साड़ी के साथ ही आपको अटैच ब्लाउज पीस मिल जाएगा, एंड ये भी आपको ब्लैक कलर की ब्लाउज पीस रिसीव हो जाएगी। एंड इसमें आपको फ्रंट एंड बैक का डिजाइन बना करके मिलेगा, ये फ्रंट का डिजाइन है, एंड बैक के लिए आपको प्लेन सा कपड़ा मिल रहा है बनवाने के लिए। फिर ये आपको स्लीव्स के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा डिजाइन। सो ओवरऑल ये बहुत ही लंबा सा आपको कपड़ा मिल रहा है ब्लाउज पीस बनवाने के लिए, 1-1.25 मीटर तो इनफ आराम से होगा इसका फैब्रिक। अगर बात की जाए साड़ी की प्राइस की तो इसे मैंने 830 रुपीज़ में मंगवाया। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सी है, अगर किसी पार्टी फंक्शन के लिए आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। इसका फैब्रिक थोड़ा सा अलग है, इस वाली साड़ी का फैब्रिक थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा चंदेरी सिल्क टाइप का जो फैब्रिक होता है ना दूर से देखने पे, बिल्कुल उस टाइप का फैब्रिक लग रहा है, टच करने पे भी उसी टाइप का फील आ रहा है। सो यार डेफिनेटली आप इस वाली साड़ी को ले सकते हो, क्वालिटी वगैरह साड़ी की बहुत अच्छी है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वाली साड़ी कलेक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, एंड आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट किस टाइप की साड़ी कलेक्शन लेकर के आऊँ। सो मैं उसी टाइप की साड़ी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।